भारत के मून स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 ने अंतरिक्ष से धरती की तस्वीरें भेजी हैं। इसरो ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी देते हुए चंद्रयान की तरफ से भेजी गई तस्वीरें साझा की हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 ने ये तस्वीरें LI-4 कैमरे से ली हैं। LOC पर पाकिस्तान की आतंकी घुसपैठ को विफल करने और उसकी गोलीबारी का जवाब भारतीय सेना बोफोर्स होवित्सर तोपों से दे रही है। सूत्रों के मुताबिक POK में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर आतंकी कैंप चलाए जा रहे हैं, जिन पर भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों से गोले दागे हैं। BJP अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के बाद 3 दिन के कश्मीर दौरे पर जाएंगे, जहां वो विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कश्मीर में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अमित शाह कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। संसदीय प्रक्रियाओं में शामिल होने के दौरान सांसदों में अनुशासन और अच्छे आचरण बनाए रखने के उद्देश्य से BJP का 2 दिवसीय अनिवार्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम शनिवार से शुरू हो चुका है। रविवार को कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यशाला में मौजूद BJP सांसदों को संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गिनी की सरकार ने अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी ने राष्ट्रपति कोविंद को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से नवाजा है। उन्होंने सम्मान भारत गिनी के समग्र संबंधों की प्रगति और दोनों देशों में मित्रता को बढ़ावा देने में योगदान के लिए दिया है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ रायबरेली में हुए सड़क हादसे के आरोपी ट्रक का मालिक देवेंद्र किशोर पाल रविवार को CBI के सामने पेश हुआ। CBI दफ्तर पहुंचे ट्रक मालिक देवेंद्र किशोर ने कहा, मैं बेकसूर हूं, मेरा विधायक कुलदीप सेंगर से कोई वास्ता नहीं। देश में मॉब लिंचिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बिहार के दानापुर के रूपसपुर थाना अंतर्गत खगोर नहर रोड का है, जहां बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों की पिटाई की गई। भीड़ ने लोगों को इतना पीटा कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बुरी तरह से घायल हैं। अमेरिका के टेक्सास में वॉलमार्ट स्टोर में गोलीबारी हुई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक उनके पास कई हमलावरों के होने की रिपोर्ट भी है। वहीं 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी घटना पर ट्वीट किया है। मुंबई में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जरूरी काम के बिना घरों से ना निकलने की सलाह दी है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने की वजह से 6 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं कई रूटों को बदला गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्लोरिडा में खेले गए T20 सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने धमाकेदार अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 17 रन देकर 3 विकेट झटके। सैनी के शानदार प्रदर्शन पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने खुशी जताई।